तो फ्रेंड्स मैं अभी आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मैंने अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके अपना पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से सिंपली से आपको पिक्सल लैब मिल जाएगा। तो जैसे ही आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली से यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ इसको डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट करने के बाद आपको थ्री डॉट मिल रहा है ऊपर में, थ्री डॉट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम लिखा हुआ आ रहा है, कस्टम पे आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। जैसे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड था वो क्या है, यूट्यूब थंबनेल के साइज में आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर का ऑप्शन करना है। आप कलर यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है, कुछ अलग टाइप का, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे में आपको मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन पर जो है डब्बा वाला ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है और फर्स्ट नंबर पर ही आपको कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप चाहें तो जैसा भी कलर चाहें वैसा कलर ले सकते हैं। अगर आप चाहें ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट ले सकते हैं, कलर में चाहें तो कलर भी ले सकते हैं। अगर इस समय से भी आपको नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जैसा कलर चाहें यहाँ पर वैसा कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सिलेक्ट हुआ है, मैंने कलर बना के रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला कलर ले लेता हूँ। सिंपली से ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये कलर को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इतना कर लेने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर में प्लस का आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ इस तरह का आपको वाल पेपर आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, सिंपली से इसको थोड़ा लंबा कर लेना और थोड़ा सा पतला कर लेना इस तरह से। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पर वाइट कलर भी रख सकते हैं, किसी और टाइप का कलर चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कुछ भी नहीं, ओपासिटी को अभी कम नहीं करूँगा, उसको दूसरे तरीके से कम किया जाता है। तो यहाँ से आप कलर को अगर आप लेना चाहें तो कलर भी ले सकते हैं, जैसा कलर चाहें वैसा कलर ले सकते थे। मैं यहाँ से कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ। और स्टॉक वगैरह कुछ देना चाहते हैं इसमें तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आपको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, बीच वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पर आपको दिखेगा रोटेट का ऑप्शन। तो रोटेट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, -3 कर लेना है। तो चलिए -3 कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ -3 कर लेना है। -3 करने के बाद यहाँ पे आपको रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। तो ओपेसिटी पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा इसको ऐसा कम कर लेना है। तो इतना कर लेने के बाद अपने हिसाब से भी कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं। मैंने अपने ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर रखा है। तो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली से यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। जिस ये जो बॉर्डर लाइन मैंने बनाया है इसी पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली से प्लस का आइकन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे दो बार इसी पे क्लिक करना है, टेक्स्ट आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो टाइप करने के लिए मुझे क्या करना है कि चलिए मैं अपना चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ। तो मैंने ये वाला अपने चैनल का नाम लिख लिया, टेक्निकल फंडा। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि अभी यहीं पे सबसे बड़ा चीज़ है, यहीं पे जो थंबनेल बनाने का तरीका होता है यहीं पे सीखना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने कलर, जैसा आपने बैकग्राउंड रखा है उसके हिसाब से आपका अपना टेक्स्ट का कलर रखना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए ताकि लोगों को ऐसा देखने को मिले कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको क्लियर देखने को मिले। तो ये मैंने ब्लैक लिया है, अभी इसका मैंने बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ। तो ब्लैक यहाँ पर ऐसा है कि मुझे दिख रहा है। और इसका सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड कर रखा है। ऐसे अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता, मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्या करना है, पोपेंस पे आपको क्लिक कर देना। मतलब किस तरह का कुछ मैंने डाउनलोड कर रखा है अपना टेक्स्ट, तो उस फॉन्ट्स डाउनलोड कर रखा है, तो इस तरह का कुछ फॉन्ट्स आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको भी क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको भी रोटेट कर लेना है। तो रोटेट करने के लिए इसको भी -3 कर लेना है।
तो -3 मैंने कर लिया, और उसको यहाँ पे इस तरह से कर लेना और थोड़ा सा बड़ा कर लेना है अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। ये देखिए इस तरह से कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा शैडो वगैरह डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो शैडो में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इनेबल करना है, उसके बाद यहाँ से कोई भी कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला सेलेक्ट मैंने शैडो डाला तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसमें से और भी कोई कलर देखते हैं जो अच्छा लगे, तो उस टाइप का ही लगा देंगे। तो वाइट कैसा लगेगा, वाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जो अपना टेक्स्ट लिखा है वो ब्लैक कलर में है, और शैडो अगर वाइट कलर में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो आपको भी इस तरह से अपने कलर को मैच करके ही शैडो वगैरह को डालना है। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा शैडो वगैरह का ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर देते हैं ताकि यहाँ पर देखने वाले को थोड़ा अच्छा लगे। अब ये देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा आगे कर लेना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है इस तरह से। इस तरह से करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा लगने लगा ये देखने में। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से सिंपली से आपको ये जो पीछे वाला आपका जो बैनर है जो मैंने बनाया था उसको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ लॉक कर लेना है। लॉक करने से क्या होगा कि अगर आप इसमें स्क्रीन पे हाथ उत लगेगा आपका तो इधर उधर नहीं जाएगा। इसके बाद इतना लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, कुछ हिंदी भी टाइप अगर करना है तो हिंदी टाइप करने के लिए सिंपली से इसी को आप यहाँ इस पर एक बार क्लिक करना और पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, या कॉपी कर लेना आपको यहाँ से। कॉपी जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको दो बार इसी पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप कुछ हिंदी में लिख लेते हैं। तो चलिए मैं कुछ हिंदी में लिख लेता हूँ। तो हिंदी में लिखने के लिए मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, चलिए मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ, मेरा नाम। ठीक, मैं ये आपको दिखाने के लिए कर रहा है ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने लिख लिया मेरा नाम मेरा नाम इस तरह से मैंने लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से मैंने अपना नाम लिख लिया मेरा नाम इस तरह से। और यहाँ पे आपको शैडो कलर इसका अगर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ से कलर पे आपको आना है और इसका रेड कलर कर देंगे तो कैसा लगेगा देखने में, उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा ब्लैक लग रहा था। लेकिन देखते हैं कोई और कलर इसमें सेलेक्ट करके देखते हैं कैसा लगता है, ये तो पूरा बेकार लग रहा है। तो इसमें आप जैसा चाहें वैसा कलर डाल सकते हैं। येलो कैसा लगता है, हाँ येलो कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको क्या करना है अभी इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब इसका शैडो जो है शैडो चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए शैडो में वाइट कलर का शैडो अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ब्लैक शैडो अच्छा लगेगा। हाँ ब्लैक शैडो ठीक लग रहा है। तो इसमें कैसा है कि आपको इसी तरह से थोड़ा बहुत देख दाख के काम करना है, मतलब आप जब बना रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है आपको। उसके बाद क्या करना है कि इतना लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके नीचे भी कुछ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख, आपका जितना टेक्स्ट है उतना टेक्स्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में तो इसके बाद यहाँ से लॉक को खोल दीजिए, और लॉक को खोलने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से छोटा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर लॉक कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना कर लेने के बाद एक शेप और लेना है आपको। जैसे आपको दूसरा शेप में कुछ बनाना है तो एक शेप और ले लेना है। एक शेप जैसे लेने के लिए फिर से यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको फिर से थोड़ा बड़ा कर लेना है, और इसको सिंपली जैसे इसमें किया था मैंने उसमें ही कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, पहले मैंने कुछ और टेक्स्ट लिखा था, लेकिन अभी मैंने आपको सिंपली से सीधा समझाने के लिए इसका मैंने टेक्स्ट अलग लिख लिया। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, ये मेरा थंबनेल है। तो ये थंबनेल कैसे, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। ऐसा कि टेक्स्ट लिखने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक शैडो लगाना पड़ेगा। अब शैडो क्या कैसा लगाना है आपको, वो शैडो भी अभी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का शैडो आपको लगाना है इस पर, कैसे लगाना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस तरह का कुछ ये शैडो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने बताया कि कहाँ से आप से PNG डाउनलोड करें, PNG कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो वो मैंने वीडियो बना दिया। वो वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस शैडो को मैं इस पर सेट कर लेता हूँ आराम से। तो इसको सेट करने के लिए आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर रोटेट पे आना है, और इसको भी -3 पे कर लेना है। तो -3 पे कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है इस तरह से।
इस तरह से कर लेने के बाद, ये देखिए कुछ अच्छा अट्रैक्टिव लगने लगा मेरा देखने के बाद। अब इतना कर लेने के बाद आपको फिर क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक और आपको शैडो लेना पड़ेगा। तो वो शैडो कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो ये शैडो भी आपको यहाँ पे लगाना है। ये शैडो लगाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे में लगाना है ये शैडो को। नीचे में लगाने के लिए कुछ इस तरह से करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। इतना नीचे करने के बाद आपको कलर पर आना है, इसको कलर को ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे कलर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ थंबनेल जो है कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से आप जैसा कलर चाहें वैसा कलर अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला कलर वाइट भी सही नहीं लग रहा। तो जैसा आप कलर यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है उस टाइप का ही कलर डालें। अपने येलो कलर, तो मेरा फर्स्ट वाला कलर जो था रेड काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये वाला कलर मेरा अच्छा लग रहा है। तो ये वाले कलर को ही आप यहाँ पर रख लीजिए। और अगर इसमें आप शैडो वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं शैडो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो शैडो वगैरह, हाँ शैडो उसी कलर का सेम टू सेम शैडो डाल देना। तो ये ज़्यादा अच्छा लगने लगा मेरा देखने के बाद। अब यहाँ पर आपका क्या करना है, अपना PNG एक अपना फ़ोटो लगाना था। फ़ोटो लगाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फ़ोटो ले लिया है और इस फ़ोटो का यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं सेट कर लेता हूँ। और सेट कर देखिए, ये फ़ोटो का जरूर मैं अपना फ़ोटो इसी तरह से यूज़ करता हूँ, एक ही फ़ोटो मैं अपना थंबनेल पे यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो अपना अलग अलग टाइप का थंबनेल का फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्या करना है, इस तरह से कुछ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक शैडो वगैरह डाल देना है। इसमें शैडो डालने के लिए आपको यहाँ पर अपने कलर के हिसाब से डाल देना है शैडो। तो शैडो डालने के लिए यहाँ पर ये वाला शैडो सही लग रहा है, इसको कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। तो ज़्यादा करेंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं डालने के लिए एक PNG अभी और लगाना है हमको, वो जो मेरे बैकग्राउंड मेरे फ़ोटो के पीछे में होगा। तो चलिए वो PNG भी लगा के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको एक PNG ले लेना है, जैसा कि लाइट वाला PNG होता है उसको ले लेना है। और इसका भी आपको क्या करना है, कलर चेंज कर लेना है। कलर पे आना है और यहाँ पर से कलर चेंज कर लेना है। तो कलर यहाँ पे मैं कुछ अलग टाइप का, इस टाइप का मैं कलर रखूँगा। और इसको यहाँ पे आपके ठीक अपने फेस पे लाना है। और फेस पे लाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको यहाँ से भी आप टू बैक कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है आपको टू बैक का। यहाँ पर देखिए टू फ्रंट और टू बैक, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया मेरा पीछे का कलर और ये मेरा कलर, ये मेरे फ़ोटो का कलर, दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपको और क्या करना है कि यहाँ पे कुछ PNG वगैरह लगा देना, जैसे YouTube का PNG होता है, तो ये सब वगैरह यहाँ पर अगर लगाना है आप तो लगा सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे एक PNG लगा लिया अपने YouTube PNG को। और इसको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा शैडो डाल देता हूँ इसमें भी, ताकि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे शैडो का कलर आपको डालना है वाइट ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कैसा भी कलर आप डाल सकते हैं शैडो के हिसाब से, ये वाला कलर सही लग रहा है। और इसका थोड़ा सा शैडो बढ़ा देना है, इतना भी नहीं, और कुछ इस तरह से कर लेना है। तो और इसको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे इसका डुप्लीकेट एक दो ठो कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डुप्लीकेट किया, तो एक और ऐसा कर देना है देखने में अच्छा लगे, एक और डुप्लीकेट कर लेना। और इसको छोटा करके यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा देना है, ये देखिए यहाँ पे लगा देना, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगे। अगर और भी कोई आप अपने शैडो यहाँ पे PNG वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये थंबनेल मेरा बन के रेडी हो गया है, अब इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस तरह से थंबनेल बनाया। और यहाँ पर आपको सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना है, और अल्ट्रा पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अल्ट्रा पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव टू गैलरी लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो थंबनेल है वो आपकी गैलरी में फुल HD में अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे थंबनेल बनाया जाता है। बिल्कुल आसान है बनाना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हालांकि मुझे आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, 13-15 मिनट का वीडियो हो गया। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।